चार साल पहले नोएडा का जलवायु विहार फ्लैट नंबर L32। इसी फ्लैट में हुआ हिंदुस्तान का सबसे सनसनीखेज, सबसे पेचीदा और अब तक अनसुलझा 14 साल की आरुषि का कत्ल। की सुबह आरुषि की लाश उसके घर पर बेड पर मिली, जबकि घर का नौकर हेमराज गायब था। शुरुआत में सबका शक गया नौकर हेमराज पर, लेकिन ठीक दो दिन बाद जब हेमराज की लाश मिली तो आरुषि का मर्डर एक ऐसी मिस्ट्री बन गया कि वो आज तक सुलझ नहीं पाया। पंद्रह और 16 मई की रात आरुषि का कत्ल हुआ। उस रात आरुषि और हेमराज के अलावा घर में सिर्फ दो लोग मौजूद थे, पापा डॉक्टर राजेश तलवार और माँ डॉक्टर नूपुर तलवार। आरुषि के कत्ल की इतनी कहानी तो हम सबको पता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आरुषि के कत्ल की कहानी 15 मई की रात ही लिखी गई या फिर इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। पंद्रह मई 2008 की सुबह 7 बजे डीपीएस नोएडा के सभी बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि अगले दिन यानी कि 16 तारीख से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। उस रोज आरुषि भी बहुत खुश रही। वो रोज की तरह सुबह 7 बजे अपने स्कूल पहुंची। ठीक 9 दिन बाद आरुषि 14 साल की होने वाली थी। 24 मई को आरुषि का जन्मदिन था, इसीलिए वो पहले से ही अपने स्कूल के दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने का प्लान बना रही थी। आरुषि दिन भर अपने दोस्तों से यही बातें करती रही कि वो किस जगह पार्टी करना चाहते हैं, किसी रेस्टोरेंट में या फिर घर की छत पर। उस रोज दोपहर 1:30 बजे तक आरुषि स्कूल में रही। वैसे आरुषि रोज बस से ही स्कूल आती जाती थी, लेकिन उस दिन आरुषि को उसकी मम्मी नूपुर तलवार लेने के लिए स्कूल पहुंची। वो अपनी मम्मी के साथ गाड़ी में बैठी और घर की तरफ रवाना हो गई। घर जाने की भी दो कहानियां हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन आरुषि अपनी मम्मी के साथ नोएडा के सेक्टर 25 के जलवायु विहार में अपनी नानी के घर L276 में गई। लेकिन सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक वो अपनी मम्मी के साथ सीधे अपने घर गई। हम यहां पर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को ही सही मान रहे हैं। नूपुर तलवार आरुषि को लेकर घर पहुंची और थोड़ी ही देर बाद दोनों दोपहर के खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर मिले। उस दौरान आरुषि की चाची वंदना तलवार भी घर पर मौजूद थी। वंदना तलवार दिल्ली में ही रहती थी। उस दिन पहली बार आरुषि ने खाने में पालक पनीर की सब्जी खाई थी और एक टीवी इंटरव्यू में नूपुर तलवार ने खुद बताया था कि वो सब्जी घर के नौकर हेमराज ने बनाई थी और वो ये जानकर बहुत खुश था कि जंक फूड खाने वाली लड़की ने पहली बार पालक पनीर की सब्जी खाई है। खाना खाने के थोड़ी देर बाद यानी 4:30 बजे नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल के लिए रवाना हुई आरुषि की मां नूपुर तलवार, जो वहां दांतों की डॉक्टर है। और उसके बाद आरुषि और घर का नौकर हेमराज ही घर पर मौजूद थे। डॉक्टर राजेश तलवार डेंटल सर्जन हैं। 15 मई की सुबह 8:45 पे वो इसी क्लिनिक से ग्रेटर नोएडा के ITS डेंटल कॉलेज में क्लास लेने चले गए और फिर दोपहर 3:30 बजे डॉक्टर राजेश तलवार दिल्ली के हौजखास के C14 के इसी क्लिनिक में आए और फिर रात के 8:30 बजे तक उन्होंने अपने सभी मरीजों को देखा और इसके बाद वो चले गए नोएडा के अपने घर में।
नुपुर तलवार शाम 7 बजे तक फोर्टिस हॉस्पिटल में थी, उसके बाद वो घर चली गई। ठीक 7:30 बजे नुपुर तलवार घर पहुंची। आरुषि कमरे के अंदर थी और हेमराज खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। आरुषि रात में देर तक जागती थी। उसके मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स बताते हैं कि रात 12 बजे के बाद या तो उसे SMS आते थे या फिर वो देर रात तक बात करती थी। लेकिन 15 मई की रात अचानक 9:10 पर उसका फोन बंद हो गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसी दिन दोपहर 2:30 से 5 बजे के बीच आरुषि के मोबाइल से और दूसरे किसी खास नंबर से 24 बार संपर्क किया गया। ये था आरुषि का नंबर और 9810509 ये वही नंबर है जिस पर 15 मई को 24 बार कॉल और SMS किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात मोबाइल नंबर 9810509 वाले शख्स ने आरुषि को उसके नंबर पर 9 बार SMS भेजा और 9 बार कॉल किया। सबसे लंबी बात 7 मिनट तक हुई। आरुषि ने अपने नंबर से उस नंबर पर 2 बार SMS और 4 बार कॉल किया। हत्या वाले दिन से 2 दिन पहले यानी 13 मई को भी दोनों मोबाइल फोन के बीच 13 बार संपर्क किया गया। और बेहद चौंकाने वाली बात ये रही कि एक बार भी आरुषि की तरफ से फोन या SMS नहीं किया गया। रात 9:30 डॉक्टर राजेश तलवार घर लौटे। उनका ड्राइवर उमेश गाड़ी की चाबी और डॉक्टर तलवार का बैग लेकर घर में दाखिल हुआ। ये वो वक्त था जब आखिरी बार किसी बाहरी आदमी ने आरुषि को जिंदा देखा था। बैग और चाबी रखने के दौरान उमेश सिर्फ इतना ही देख पाया कि डाइनिंग टेबल पर नुपुर तलवार और आरुषि बैठे हुए थे। डॉक्टर राजेश तलवार अपने कमरे से बाहर आते हुए नजर आए। उमेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि फ्लैट के अंदर आने का उसका ये पल एक खौफनाक मर्डर की तफ्तीश में दर्ज। राजेश तलवार आरुषि को जन्मदिन पर एक डिजिटल कैमरा देना चाहते थे। वो उसे डिजिटल कैमरा उसके जन्मदिन 24 मई को देना चाहते थे, लेकिन मम्मी नुपुर की जिद के बाद वो उसे कैमरा उसी रात देने पर राजी हो गए। मम्मी पापा आरुषि के कमरे में गए। आरुषि कैमरा पाकर बहुत खुश हुई, उसी कैमरे से तस्वीरें भी लेने लगी। घड़ी उस वक्त रात 10:10 का वक्त दिखा रही थी। रात के 11 बज रहे थे। आरुषि इस वक्त अपने कमरे में सोने के लिए दाखिल होती है और साथ ही राजेश तलवार और नुपुर तलवार भी अपने कमरे में सोने के लिए दाखिल हो जाते हैं। डॉक्टर राजेश तलवार को देर रात तक इंटरनेट पर काम करने की आदत थी। वो नुपुर तलवार से कहते हैं कि वो जाकर राउटर ऑन कर दे। राउटर आरुषि के कमरे में था, लिहाजा नुपुर तलवार अपने कमरे से उठती हैं और आरुषि के कमरे में राउटर ऑन करने के लिए आती हैं। जिस वक्त नुपुर तलवार आती हैं, आरुषि यहाँ पर चेतन भगत की किताब द 3 Mistakes of My Life पढ़ रही होती है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि डॉक्टर राजेश तलवार रात के 12:08 तक इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहे। रात के ठीक 12 बजे आरुषि के घर के लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। आरुषि का मोबाइल फोन बंद था, इसलिए उसके एक दोस्त ने घर के नंबर पर फोन किया, लेकिन घंटी बजती रही, किसी ने फोन उठाया नहीं। आरुषि अपने कमरे में थी, नुपुर और राजेश अपने कमरे में थे। लैंडलाइन में रिंग जाने के बाद भी किसी ने फोन क्यों नहीं उठाया? क्या आरुषि तब सो रही थी या हमेशा हमेशा के लिए सो चुकी थी? रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे का वक्त, ये वो वक्त है जिसके बारे में कोई भी पुख्ता तौर से कुछ नहीं जानता या कुछ कहना भी नहीं चाहता। नोएडा के इस घर के अंदर क्या हो रहा था? कोई आया था या कोई गया था? घर के लोग सो रहे थे या जाग रहे थे? आरुषि पढ़ रही थी या टीवी देख रही थी? पापा मम्मी एक ही कमरे में थे या अलग अलग कमरों में? ये कोई नहीं जानता। भारत ने गुनाह के इतिहास की
सबसे रहस्यमय काम। और फिर हुआ सवेरा 16 मई 2008। रात 12 बजे के बाद शुरू होती है इस कत्ल की सबसे रहस्यमय कहानी। उस रात घर में सिर्फ 4 लोग थे। रात 12 बजे के बाद शुरू होती है इस कत्ल की सबसे रहस्यमय कहानी। उस रात घर में सिर्फ 4 लोग थे। आरुषि, पापा राजेश तलवार, मम्मी नुपुर तलवार और हेमराज। हेमराज घर के अंदर बने ही सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। हेमराज के फोन कॉल की डिटेल से यह बात सामने आई है कि उस रात हेमराज के मोबाइल से 2 इंटरनेशनल कॉल की गई और मोबाइल पर बैलेंस भी चेक किया गया। इस बीच नोएडा के निठारी के एक पीसीओ से हेमराज के मोबाइल पर एक फोन आया। फोन किसने किया ये पता नहीं चल सका, तो क्या फोन करने वाला ही कातिल था? रिकॉर्ड के मुताबिक सुबह 3:43 तक इंटरनेट रुक रुक कर चलता रहा। तो क्या राजेश तलवार जो इंटरनेट पर काम कर रहे थे वो सुबह 4:15 तक सोए नहीं थे? सोलह मई की सुबह 6 बजे नौकरानी भारती घर पहुंची। आमतौर पर 1 घंटी में दरवाजा खुल जाता था, हेमराज दरवाजा खोलता था, लेकिन उस दिन 3 बार घंटी बजाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर के बाद नुपुर तलवार ने लकड़ी वाला दरवाजा खोला। ये दरवाजा क्या बाहर से बंद है, खुल क्यों नहीं रहा? हेमराज भी नहीं दिख रहा, लगता बाहर से ही दरवाजा बंद है। बाहर से तो बंद नहीं लगता, आप ऐसा कीजिए बीबी जी, मुझे चाबी दे दीजिए, मैं बाहर से खोलने की कोशिश करती हूँ। भारती के इतना कहने के बाद ही नुपुर तलवार ने बालकनी से चाबी नीचे फेंक दी। भारती ने नीचे जाकर वो चाबी उठा ली। जिस वक्त भारती और नुपुर में बातचीत हो रही थी उस वक्त नुपुर का चेहरा बिल्कुल सामान्य था। इसी बीच नुपुर ने हेमराज के मोबाइल पर फोन किया। घंटी बजते ही किसी ने फोन उठाया और फौरन उसे काट दिया। तभी भारती दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुई। घर के अंदर दिल दहला देने वाला नजारा था। देखो भारती, हेमराज क्या करके गया? फिर जाके गया हूँ लड़की के दरवाजा के पास, नहीं थोड़ा अंदर होता है वो, बगल गया हूँ, बगल के जाके सामने गया हूँ तो देखा हूँ जो लड़की का गला कटा हुआ है। नुपुर और राजेश तलवार डाइनिंग टेबल के पास खड़े थे। आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर बेड पर आरुषि की लाश पड़ी हुई थी और लाश पर सफेद चादर डली हुई थी। तभी नुपुर ने आरुषि के चेहरे से चादर हटाकर भारती को दिखाया। पूरे घर में एक ही शोर था। हेमराज नहीं मिल रहा, कहीं हेमराज कहीं नहीं मिल रहा।
आरुषि के सिर पर सामने की ओर से किसी ने भारी चीज से वार किया था। उसके सिर पर अंग्रेजी के यू और वी शेप जैसे निशान थे। सिर पर मारने के बाद आरुषि के गले को काफी तेज धार वाले हथियार से काटा गया था। ऐसा जख्म किसी सर्जिकल ब्लेड से ही किया जा सकता था। कमरे की सारी चीजें अपनी जगह पर थीं। बिस्तर की चादर बिना सिलवट के बिछी हुई थी। तकिया अपनी जगह से नहीं हिला था। बेड के पीछे खिलौने बिल्कुल अपनी जगह पर थे। आरुषि के बगल में आर्मी कलर का स्कूल बैग भी अपनी जगह पर ही पड़ा था। नौकरानी भारती ने आरुषि के कत्ल की जानकारी सबसे पहले पड़ोसियों को दी। उसके बाद नुपुर तलवार ने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को फोन किया। नुपुर तलवार की मां लता और उनके पिता बीजी चिटनिस वहां पहुंचने वालों में सबसे पहले थे। उसके बाद डॉक्टर राजेश तलवार के घर से नोएडा के सेक्टर 20 थाने में फोन किया गया। सुबह 7:15 पर सेक्टर 20 थाने के एसओ दाताराम ननेरिया अपनी टीम के साथ पहुंचे। राजेश तलवार ने बताया कि आरुषि की हत्या करने के बाद हेमराज अभी तक फरार है। आरुषि के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसी बीच डॉक्टर राजेश तलवार के दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार, रोहित कोचर और के गौतम के साथ वो उनके घर पहुंच गए। के गौतम यूपी पुलिस के पूर्व डीएसपी हैं। मुझे डॉक्टर तलवार का जो कंडक्ट था वो एबनॉर्मल लगा। राजेश तलवार के दोस्त और पड़ोसी उनके फ्लैट के अंदर जमा होना शुरू हो गए। कुछ लोग सीढ़ियों पर पड़े। तभी एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई। फ्लैट से छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खून के धब्बे दिखे। ऐसे ही खून के धब्बे छत के दरवाजे के हैंडल पर भी लगे हुए थे। राजेश तलवार के दोस्तों ने उनसे दरवाजे की चाबी मांगी, लेकिन वो बगैर कुछ कहे चुपचाप फ्लैट के अंदर चले गए। ये बात बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। मौके पर मौजूद पुलिस वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकामयाब रहे। पुलिस छत का दरवाजा खुलवाना चाहती थी, लेकिन राजेश तलवार पुलिस से सिर्फ यही कह रहे थे कि वो घर में तहकीकात करके समय बर्बाद कर रही है। उसे हेमराज को पकड़ना चाहिए, क्योंकि हेमराज ने ही कत्ल किया है और वो कत्ल करके फरार हो गया। आरुषि का पोस्टमार्टम चल रहा था। राजेश और नुपुर तलवार बार बार पुलिस से यही कह रहे थे कि वो हेमराज को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करें। 43 साल का हेमराज नेपाल के अर्घा खांची जिले का रहने वाला था और 1.5 साल से तलवार दंपत्ति के यहाँ काम कर रहा था। उसका परिवार नेपाल में ही रहता था। राजेश और नुपुर तलवार के घर काम करने से पहले वो दिल्ली में ऑटो चलाता था। आरुषि के घर काम करने वाले पुराने नौकर विष्णु ने उसे काम पर रखवाया था। दोपहर 2:30 आरुषि के शव को पोस्टमार्टम के बाद वापस घर लाया गया। तकरीबन आधे घंटे बाद दोपहर के 3:00 राजेश तलवार, नुपुर तलवार, दिनेश तलवार परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आरुषि के शव को लेकर नोएडा सेक्टर 94 के शमशान घाट में चले आए। इसी वक्त राजेश तलवार के घर के नौकर ने तेजी दिखाते हुए उन तमाम सामानों को समेटना शुरू कर दिया जिन पर खून के निशान थे। यही नहीं बल्कि दीवारों पर जो खून के धब्बे थे उनको साबुन और पानी से उन्होंने धो डाला। आरुषि के कमरे से खून से सना हुआ गद्दा और चादर लेकर कातिल छत पर आता है, लेकिन राजेश तलवार की छत के दरवाजे पर ताला लगा होता है तो कातिल ये गद्दा और चादर लेकर पड़ोसी की छत पर आता है और इसे यहीं फेंक देता है। अभी तक हत्या का शक नौकर हेमराज पर ही था, क्योंकि आरुषि के कत्ल के साथ ही वो गायब हो चुका था। हत्या की जगह को देखकर लग नहीं रहा था कि आरुषि के साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती की गई हो, लेकिन सवाल उठ रहा था कि अगर आरुषि के साथ हेमराज ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर वो गायब कहां और क्यों हो गया। और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था कि आखिर हेमराज ने आरुषि का कत्ल क्यों किया। आरुषि के कत्ल की कहानी में अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। छत का दरवाजा खुलना बाकी था। आरुषि के कत्ल की कहानी में अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। छत का दरवाजा खुलना बाकी था। और ये मर्डर डबल मर्डर में, या यूं कहिए सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में तब्दील होना बाकी था।
नुपुर तलवार, राजेश तलवार और दिनेश तलवार नोएडा के सेक्टर 94 के शमशान घाट से आरुषि की चिता की राख लेकर घर पहुंचे। फैसला किया गया कि नुपुर और राजेश तलवार के साथ परिवार के कुछ लोग हरिद्वार जाकर अस्थि विसर्जन करेंगे। इन सब बातों को तय करने में करीब एक घंटे का वक्त लगा। 10 बजे के करीब राजेश नुपुर अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ घर से हरिद्वार के लिए निकल गए, लेकिन दिनेश तलवार नोएडा के L32 पर ही रुक गए। सुशील चौधरी, ये सभी राजेश तलवार के बेडरूम में बैठे हुए थे। तभी दिनेश तलवार ने के गौतम से कहा कि वो पुलिस को बुलवाकर छत का दरवाजा खुलवाए। इसके बाद के गौतम सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर छत की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियों पर खून के धब्बों के निशान और दरवाजे के पास किसी को घसीटे जाने के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। दरवाजे के हैंडल पर भी खून लगा हुआ था। के गौतम ने पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर में सेक्टर 20 थाने की पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने जब दिनेश तलवार को दरवाजे का ताला खोलने के लिए कहा तो उसे भी यही जवाब मिला कि चाबी नहीं है। दरवाजे का ताला तोड़ने का फैसला किया गया। बस यही वो वक्त था जब ये मर्डर एक बड़ी मिस्ट्री में तब्दील होने वाला था। एक पुलिस वाले ने आगे बढ़कर दरवाजे का ताला तोड़ा और जब ये ताला टूटा और दरवाजा खुला तो सभी देखकर सन्न रह गए। छत के बाईं तरफ एक लाश पड़ी हुई थी और लाश को कूलर पैनल से ढका हुआ था। दरवाजे से लेकर कूलर तक लाश को घसीटने के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। खून सूख चुका था। मई का महीना था, गर्मी बेहद पड़ रही थी, लाश सड़ चुकी थी। जिसने भी लाश को छत पर फेंका था उसने उसे छुपाने की पूरी कोशिश की थी। जिस तरफ डेड बॉडी पड़ी हुई थी उस ओर की दीवार पर एक डबल बेडशीट पड़ी हुई थी ताकि बगल के छत वालों को लाश होने का पता ना चल सके। साफ था आरुषि के साथ साथ एक और हत्या हुई थी और हत्या के बाद लाश को सीढ़ियों से ऊपर लाया गया और सीढ़ियों से ऊपर लाने के बाद छत का दरवाजा बनकर छिपा दिया गया। आखिर ये लाश किसकी थी? अब तक छत पर मौजूद कोई भी शख्स उसे पहचान नहीं पाया था। चारों ओर खून के निशान थे। लाश की बदबू से छत पर खड़ा हो पाना मुश्किल था। जिस कूलर के पैनल से उसे ढका गया था उसके पानी में कातिल ने अपने हाथ धोए थे। पुलिस ने दिनेश तलवार से लाश को पहचानने के लिए कहा। उन्होंने शव को पहचानने से इनकार कर दिया। उनसे कहा गया कि वो फौरन राजेश तलवार को बुलाएं, लेकिन दिनेश ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो हरिद्वार जा चुके हैं और अब तक काफी दूर निकल गए होंगे, इसलिए उनका वापस आना मुश्किल है। हालांकि इसी बीच दिनेश तलवार ने राजेश को फोन कर दिया। अब लाश को पहचानने की कोशिश चल रही थी। राजेश तलवार को फोन किए हुए 10 मिनट का वक्त गुजर चुका था। तभी अचानक राजेश तलवार छत पर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये कि वो लाश को पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये कि ये लाश किसकी है। लाश की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, सभी परेशान थे। तभी पुलिस की नजर दीवार पर लगे एक निशान पर पड़ी। ये एक खूनी पंजे का निशान था। सभी सोच में पड़ गए कि आखिर ये पंजा किसका है। क्या ये कातिल के पंजे के निशान हैं या फिर उस इंसान के जिसकी लाश छत पर पड़ी थी। इसी वक्त छत पर एक और शख्स पहुंचा। वो राजेश तलवार के नौकर हेमराज का दोस्त था। उसने भी लाश को देखा और देखते ही वो चीख पड़ा, अरे ये तो हेमराज की लाश है। राजेश तलवार की कहानी झूठी पड़ चुकी थी। पुलिस की थ्योरी फेल हो चुकी थी। जिस हेमराज को आरुषि का कातिल माना जा रहा था उसका भी कत्ल हो चुका था। जैसे ही हेमराज के दोस्त ने उसकी पहचान की, राजेश तलवार और दिनेश तलवार फौरन वहां से नीचे चले गए। नीचे पहुंचकर वो गाड़ी में बैठे और गाड़ी में पहले से ही नूपुर तलवार मौजूद थी। ये तीनों यहां से हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। वो राजेश तलवार जो कि बार बार ये कह रहे थे कि हेमराज आरुषि का कत्ल करके भाग गया है, उसी हेमराज की लाश छत पर पड़ी मिली।
बेहद हैरान कर देने वाली बात थी कि जो नौकर राजेश और नुपुर तलवार के घर में पिछले 1.5 साल से काम कर रहा था, डॉक्टर राजेश तलवार उसे देखकर पहचान नहीं पाए, जबकि हेमराज के दोस्त ने उसे देखते ही पहचान लिया। दूसरी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जैसे ही हेमराज की लाश की शिनाख्त हुई, डॉक्टर राजेश तलवार वहां से फौरन चले गए। आरुषि मर्डर मिस्ट्री अब आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री बन चुकी थी। नोएडा के जलवायु विहार के L32 में अब दो दो कत्ल हो चुके थे। सबसे चौंकाने वाली बात, जिस तरह से आरुषि का मर्डर हुआ ठीक उसी तरह से हेमराज का कत्ल हुआ था। अंतर सिर्फ इतना था कि आरुषि के सिर पर सामने की तरफ से हमला हुआ था, जबकि हेमराज के सिर पर पीछे की तरफ से हमला किया गया था। आरुषि की तरह सिर पर वार करने के बाद हेमराज के गले को तेज हथियार से काट दिया गया था। अब तक ये साफ नहीं था कि दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं या अलग अलग ने, या फिर जैसा राजेश तलवार कह रहे थे, आरुषि का कत्ल हेमराज ने कर दिया हो और उसके बाद हेमराज का खून हो गया हो। दोनों हत्याओं का तरीका एक था, इसलिए रहस्य गहराता जा रहा था। जांच में सामने आ रही एक एक बात से केस और उलझता जा रहा था। आरुषि के कमरे में हेमराज के खून के निशान नहीं मिले, इससे एक बात ये साफ हो गई कि आरुषि के कमरे में हेमराज का खून नहीं किया गया, लेकिन घर के बाहर से छत की तरफ जा रही सीढ़ियों पर हेमराज के खून के निशान मिले। इससे एक बात ये भी साफ होती है कि हेमराज का कत्ल छत पर नहीं किया गया, बल्कि हत्या के बाद उसकी लाश को घसीटते हुए छत तक ले जाया गया। तो आखिर हेमराज को किसने मारा, आरुषि की हत्या किसने की? 15-16 मई की रात आरुषि की हत्या के बाद शुरू हुई मर्डर मिस्ट्री 17 तारीख तक बिल्कुल बदल चुकी थी। जिस हेमराज पर आरुषि की हत्या का शक था, उसका शक छत पे मिला, पूरा केस पलट चुका था। अब इस पूरे हत्या का शक मम्मी पापा पर घूमने लगा। तो आखिर आरुषि और हेमराज को किसने मारा, जांच तीन तरफ मुड़ चुकी थी। पहला शक बाहरी आदमी की तरफ गया और दूसरा शक घर में मौजूद शख्स की ओर था, और तीसरा हेमराज के दोस्तों की ओर, जो घर में अक्सर आते जाते थे। बाहर से आए किसी शख्स की थ्योरी ज्यादा देर नहीं चल पाई, क्योंकि राजेश तलवार का घर चारों ओर से बंद था, उसमें अंदर घुसने की गुंजाइश न के बराबर थी। जिस दिन घटना घटी, घर का मुख्य दरवाजा अंदर से लॉक था। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति हत्या करने आएगा तो वो डबल मर्डर के बाद स्कॉच क्यों पिएगा, और वो भी उस हालात में जब उसे पता हो कि घर के दूसरे कमरे में कोई और भी मौजूद है। अब शक के निशाने पर थे मम्मी पापा। आरुषि के कमरे की चाबी भी मम्मी पापा पर शक की सबसे बड़ी वजह बनी। आरुषि जब कमरे में सोने चली जाती थी तो माँ नुपुर तलवार इस तरह दरवाजे को बंद कर दिया करती थी। दरवाजा बंद होने के बाद या तो सिर्फ अंदर से खुल सकता था और बाहर से खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती थी। हर रात कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद नुपुर तलवार कमरे की चाबी तकिए के पास रखा करती थी। तो सवाल ये उठता है कि जब आरुषि का कमरा अंदर से बंद था तो आरुषि का कत्ल किसने किया? नूपुर तलवार ने ये बात कही कि दूसरे दिन उन्हें आरुषि का कमरा खुला मिला और आरुषि के कमरे की चाबी दोपहर को लॉबी में पड़ी मिली। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक राजेश तलवार और नुपुर तलवार ये साफ साफ नहीं बता पा रहे थे कि 15 तारीख की रात आरुषि के कमरे को लॉक किया था या नहीं, और सुबह ढूंढने के बाद चाबी क्यों नहीं मिली। डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर पर शक की एक और वजह थी, और वो था उनके कंप्यूटर का इंटरनेट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पूरी रात कंप्यूटर पर इंटरनेट ऑन ऑफ किया जाता था, जबकि डॉक्टर राजेश तलवार का कहना है कि वो रात 11 बजे कंप्यूटर पर बैठे थे और कंप्यूटर पर उन्होंने रात 12:08 तक ही काम किया। 15 और 16 मई की रात राजेश तलवार का इंटरनेट रिकॉर्ड चौंकाने वाला था। रिकॉर्ड के मुताबिक सुबह 3:43 तक इंटरनेट का इस्तेमाल होता था। 3:43 के बाद सुबह 6:01 पर इंटरनेट फिर से ऑन हुआ। ये वही वक्त था जब घर की नौकरानी भारती आई थी और नुपुर तलवार ने हेमराज को फोन किया था। आखिर
रात भर इंटरनेट को कौन ऑफ ऑन करता रहा। सारे हालात आरुषि के मम्मी पापा की ओर इशारा कर रहे थे। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। हत्या के बाद उस जगह को पूरी तरह से व्यवस्थित किया जा चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी 3 दिन के बाद इस बात का खुलासा हो गया कि आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स को हत्या के बाद साफ किया जा चुका है। छानबीन में इस बात का भी पता चला है कि सीढ़ियों पर जो खून के धब्बों के निशान थे उन्हें भी बाद में साफ किया गया। 16 तारीख को डॉक्टर राजेश तलवार पुलिस से बार बार कहते रहे कि वो घर के अंदर वक्त बर्बाद न करें बल्कि बाहर जाकर हेमराज को ढूंढें। अपने छत के दरवाजे के ताले की चाबी भी डॉक्टर राजेश तलवार पुलिस को देने में नानुकुर करते रहे। बाद में उसी छत पर हेमराज की लाश मिली थी और यही बातें नुपुर और राजेश तलवार पर शक की वजह बनी। आरुषि के कत्ल के 8 दिन बाद नोएडा पुलिस ने आरुषि और हेमराज के मर्डर के आरोप में राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। 24 मई को उन्हें गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया। 25 तारीख को कोर्ट ने राजेश तलवार को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया जो बाद में बढ़ाकर 30 मई तक कर दी गई। 30 मई को राजेश तलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक बार फिर आरुषि के मम्मी पापा निशाने पर थे। इस पूरे मामले में एक गोल्फ स्टिक ने एक नया मोड़ दे दिया। हिरासत में पूछताछ के दौरान डॉक्टर राजेश तलवार ने 3 और नए नाम बताए। ये 3 और लोग थे जो कि शक के घेरे में आ चुके थे। इनका डॉक्टर राजेश तलवार के घर में आना जाना था और ये थे हेमराज के दोस्त। इन तीनों के नाम थे राजकुमार, कृष्णा और विजय मंडल। कृष्णा राजेश तलवार के कंपाउंडर के तौर पर काम किया करता था। राजकुमार राजेश तलवार के दोस्त डॉक्टर दुर्रानी का नौकर था। विजय मंडल राजेश तलवार के पड़ोसी का नौकर था और उनके घर के पास बने गैराज में रहता था। ये सभी हेमराज के दोस्त थे। कृष्णा और राजकुमार नेपाल के रहने वाले थे। शुरुआती जांच में ये थ्योरी भी सामने आई कि हत्या के दिन राजेश तलवार ने कृष्णा को काफी डांटा था जिसकी वजह से वो नाराज था और बदला लेने के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। 13 जून 2008 को कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया गया। 27 जून को राजकुमार पकड़ा गया। इसके बाद 11 जुलाई को विजय मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन जांच में इन तीनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। 15 और 16 मई की रात 12 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक ये तीनों अपने अपने घरों में ही थे। इससे साफ था कि इस कत्ल में इन तीनों का हाथ नहीं है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक हत्या की रात कृष्णा अपने घर पर सो रहा था और सुबह पुलिस के उठाने के बाद ही उसकी नींद खुली। कृष्णा के परिवार ने भी रात भर उसके घर में ही होने की बात कही। हेमराज की कॉल डिटेल से ये साफ था कि उस दिन हेमराज से कृष्णा की बात हुई है। जांच में ये भी साफ हो गया कि कृष्णा और हेमराज की मुलाकात भी नहीं हुई है। दूसरी तरफ राजकुमार हत्या की रात अपने मालिक प्रफुल्ल दुर्रानी के साथ उनकी पत्नी अनीता दुर्रानी को लेने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गया और रात 11:30 बजे नोएडा के सेक्टर 52 के घर लौटा। उसके बाद उसने खाना बनाया और खाना खाकर सभी 12:30 बजे तक सोने चले गए। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि डॉक्टर दुर्रानी और राजेश तलवार के घर के बीच की दूरी तय करने में कम से कम 20 मिनट का वक्त लगता था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि रात 12 बजे से 1 बजे के बीच हत्या हुई। इसलिए ये संभव नहीं था कि राजकुमार उतने कम समय में वहां पहुंच पाया हो। तीसरे आरोपी विजय मंडल के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। जांच के शुरुआती दौर में ही विजय का नाम पुलिस ने इस मामले से हटा दिया। इस तरह ये तीनों नाम जितनी तेजी से हत्याकांड से जुड़े उतनी ही तेजी से बाहर भी हो गए। एक बार फिर आरुषि के मम्मी पापा निशाने पर थे। इस पूरे मामले में एक गोल्फ स्टिक ने एक नया मोड़ दे दिया। आरुषि और हेमराज के सिर पे लगे चोट की लंबाई और चौड़ाई राजेश तलवार के घर में रखे गोल्फ स्टिक नंबर 5 के बराबर थी। डॉक्टर राजेश तलवार नोएडा गोल्फ क्लब के मेंबर थे और अक्सर गोल्फ खेलने जाया भी करते और इसी तरह की 2 गोल्फ स्टिक हमेशा उनकी सेंट्रो कार में रखी रहती थी।
लेकिन हत्या से कुछ दिन पहले जब उनकी सेंट्रो कार सर्विसिंग के लिए गई तो ऐसी दोनों गोल्फ स्टिक उन्होंने अपनी कार में से निकालकर हेमराज के कमरे में। लेकिन हत्या के बाद जब घर की तलाशी ली गई तो केवल एक ही गोल्फ स्टिक मिली, दूसरी गायब। राजेश तलवार के घर में गोल्फ सेट भी था। पुलिस को शक हुआ कि हत्या में इस्तेमाल की हुई भारी चीज गोल्फ स्टिक भी हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे गोल्फ सेट को अपने कब्जे में ले लिया। जांच में पता लगा कि स्टिक नंबर 3 और 5 को खासतौर से साफ किया गया था और वो बाकी स्टिक की अपेक्षा ज्यादा चमक रही थी। यही नहीं बल्कि अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि स्टिक को किसने और क्यों साफ किया। हेमराज के कमरे से जो गोल्फ स्टिक गायब हुआ था वो घटना के करीब एक साल बाद घर के छज्जे के अंदर रखा मिला। इसके बावजूद नुपुर तलवार ने न इसकी जानकारी पुलिस को दी और न ही सीबीआई को। आखिर नुपुर ने ये बात क्यों छिपाई, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। मामले की जांच कर रही सीबीआई पूरी तरह उलझ चुकी थी। आरुषि और हेमराज का मर्डर अब सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुकी थी। सीबीआई ने 1 जून 2008 को इस केस को अपने हाथ में लिया। राजेश तलवार से जेल में 51 दिन तक लगातार पूछताछ की गई, लेकिन 11 जुलाई 2008 को उन्हें जमानत मिल गई। सीबीआई को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। राजेश और नुपुर तलवार का नाको टेस्ट भी करवाया गया, लेकिन सीबीआई को उस टेस्ट से भी कुछ हाथ नहीं लगा। लिहाजा सीबीआई ने 29 फरवरी 2010 को सबूतों के अभाव में गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट से केस बंद करने की अपील की। गाजियाबाद कोर्ट ने 9 फरवरी 2011 को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि आरुषि के मम्मी पापा राजेश और नुपुर तलवार के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसीलिए उन्हें आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ समन जारी कर दिया गया। राजेश तलवार ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत ले ली। नुपुर तलवार कई हफ्तों तक कोर्ट से बचती रही। 29 अप्रैल 2012 को नुपुर तलवार गाजियाबाद की कोर्ट में पेश हुई। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय नुपुर तलवार गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। 2008 से लेकर के आज तक हर थोड़े दिन पर इस मामले में नया मोड़ आता रहा, लेकिन सवाल वही का वही, आखिर आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की और सबसे बड़ा सवाल क्यों की? इतना तो तय है, आरुषि की हत्या करने वाला बहुत शातिर है। हत्या के बाद हर एक निशान को मिटा दिया गया और जो निशान रह गए उन्हें मैनेज कर लिया गया। सीबीआई अपने हाथ खड़े कर चुकी है। यूपी पुलिस शुरुआती दौर में मम्मी पापा को कातिल बता चुकी है, लेकिन कत्ल अभी तक साबित नहीं हो पाया है। क्या आरुषि के कत्ल की कहानी अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी? क्या आरुषि का कातिल पकड़ा जाएगा? क्या आरुषि को इंसाफ मिलेगा? इस सवाल का जवाब 4 साल के बाद भी किसी के पास नहीं है।